और राजस्थान में लगातार सियासी हलचल जारी है और इसी सियासी हलचल के बीच में पहली बार सचिन पायलट मीडिया के सामने आए। सचिन पायलट ने अशोक गहलोत पर बयान दिया है। पायलट ने कहा कि मानगढ़ धाम में नरेंद्र मोदी एक बड़ा संकेत देकर गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की उन्होंने तारीफ की और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तारीफ कर नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा संकेत दिया। और इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने कहा कि इससे पहले नरेंद्र मोदी गुलाम नबी आजाद की भी तारीफ कर चुके हैं और उसके बाद गुलाम नबी आजाद ने पार्टी छोड़ दी थी। पायलट ने इशारों में आजाद के कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद में मुख्यमंत्री पर यानी अशोक गहलोत पर निशाना साध दिया है। मुख्यमंत्री जी ने कल जो बयान दिए, जो बड़ाइयां करी, मैं समझता हूँ बड़ा दिलचस्प एक घटनाक्रम है, क्योंकि इसी प्रकार प्रधानमंत्री जी ने सदन के अंदर गुलाम नबी आजाद साहब की बड़ाइयां करी थी और उसके बाद क्या घटनाक्रम पैदा हुआ हम सबने देखा है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट था कल का, जो प्रधानमंत्री जी ने सोते ही बड़ाइयां करी हैं, इसको बड़ा मैं इंटरेस्टिंग मानता हूँ और इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। तो सुना आपने, सचिन पायलट का ये बयान अपने आप में दर्शाता है कि आखिर उनका ये बयान या ये निशाना किधर की तरफ था। हालांकि हमने इसके पहले देखा भी है कि राजस्थान की सियासत में दोनों ही नेता, भले ही एक पार्टी के हों, सचिन पायलट या अशोक गहलोत, लेकिन दोनों के बीच में तनातनी किस तरह की है और बयानबाजी ये दर्शाती है कि सचिन पायलट क्या कहना चाहते हैं। फिलहाल रुक रहे।